नमस्कार, मैं अंजुम शर्मा एबीसी टीवी से। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट के प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पे बहुत मसले चल रहे हैं, तो इस बारे में हम लोग जानना चाहेंगे कि यहाँ के लोगों की राय क्या है। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं उनसे मिलेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम है धनंजय पाटिल। आप इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या जानते हैं? वैसे तो इतना ही जानता हूँ कि यहाँ पे कुछ तो न्यूक्लियर प्लांट वगैरह कुछ तो बना रहे हैं। भाई तो मैं खेती करता हूँ, मुझे तो कुछ इतना पता नहीं, मैं तो अनपढ़ गवार आदमी हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि इन्होंने कुछ तो यहाँ पे सर्वे वगैरह किया है और वो बोल रहे थे कि हमें यहाँ की जगह छोड़नी पड़ेगी। अगर मैं ये जगह छोड़ दूंगा, मेरे बाप दादा के ज़माने से यहाँ पे मैं खेती करते आ रहा था, अगर मैं ये जगह छोड़ दूंगा मैं रहूंगा कहाँ? जो खेती वगैरह करता था वो खेती के लिए ज़मीन कहाँ से मिलेगी? अगर मुझे खेती नहीं करनी तो मैं खाऊंगा कैसे? और रही बात मेरी फैमिली की, तो इसके लिए बहुत सारा कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो मुझे कुछ पता नहीं कि क्या होगा। इनके कहने से हमको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ के लोगों को प्रोजेक्ट के बारे में तो पता है, लेकिन उनको उनके बसेरे का बहुत बड़ा टेंशन है। तो इसी मामले में यहाँ के लोकल लीडर का क्या कहना है, वो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे। न्यूक्लियर पावर प्लांट हाय हाय, न्यूक्लियर पावर प्लांट हाय हाय, देख भाई तू डर मत, तुमने मुझे चुना है, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। सर आप ही हो जो हमें मदद कर सकते हो, जो हमें बचा सकते हो। ये सब कहने की बात है, ये सब तुम्हें लूटने बैठे। सो न्यूक्लियर पावर प्लांट आने से न्यूक्लियर रेडिएशन बढ़ेगा, उससे फसल बर्बाद हो जाएगी, जमीन बंजर बन जाएगी और पानी प्रदूषित होगा। देखते हैं मुझे मिले बिना कैसे पावर प्लांट बनाते हैं। यहाँ पे हमको समझ में नहीं आ रहा कि जो लोकल लीडर है उनका कहना है कि ही इज इन अपोज विद द न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसमें उनका कुछ फायदा है या कुछ और उनकी इच्छा है, ये जानने के लिए हम लोग देखेंगे। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में हुआ था जिसमें कुछ लोग रिहैबिलिटेट हुए थे, उनमें से एक हमारे साथ हैं जिनका नाम है उमेश महात्रे। हम बात करेंगे उनसे कि उनका इस बारे में क्या कहना है। नमस्कार। डेवलपमेंट है ना, डेवलपमेंट है, कहाँ नहीं है डेवलपमेंट है। बड़े बड़े पावर प्लांट बने, जाके देखिए, ये बड़ी बड़ी यहाँ पे पूरी शहर बसे हैं, बड़ी बड़ी होटल्स हैं, मॉल्स हैं, बहुत सारे लोग गाड़ियाँ में घूम रहे हैं, है डेवलपमेंट सब जगह पे है, कहाँ नहीं। हमारा जमीन लिए थे, बोले थे आपको घर देंगे, आपको नौकरी देंगे, आप हमें ज़मीन दे दीजिए, बहुत सारा प्रगति होगा देश का। हमने दे दिया ज़मीन, क्या हुआ, कहाँ है हम, है ना डेवलपमेंट, कहाँ नहीं। जहाँ पावर प्लांट है, जहाँ शहर है, पावर प्लांट से शहर तक पूरा बिजली पहुँचाते हैं टकाटक। हमारा गांव बसता है बीच में, वहाँ पे खंभे नहीं थे, तार नहीं थे, आज है ना डेवलपमेंट, तार हैं, खंभे हैं, लेकिन बिजली नहीं। 8 घंटे हम अंधेरे में रहते हैं, 12 घंटे अंधेरे में रहते हैं, कोई पूछने नहीं आता है हमको। कहे थे हमसे नौकरी मिलेगा, गए थे हम, उन्होंने कागज दिया था, हम गए थे लेके, कह दिया भैया अपने सर्टिफिकेट दिखाओ। अब अनपढ़ गवार आदमी हम, खेती करे कहाँ से लाए सर्टिफिकेट, भगा दिए हमको वहाँ से, चले गए हम, क्या करते अब, बैठे हैं, ना घर है, ना छत है, ना खाना है, कुछ नहीं है, बस देख रहे हैं डेवलपमेंट। हमने जो बलिदान दिया, हमारा जमीन दिया, उससे कहीं ना कहीं किसी का तो भला हो रहा है, बस उसी भावना से हम आज बैठे हैं। देख भाई, इतना कह देते हैं हम पछता हैं, आप मत पछताओ, हमारा भारत देश में सबको सब अधिकार है, लेकिन अधिकार किसी को मिलता नहीं। लेकिन आज मैं अपना बोलने का अधिकार लेके यहाँ पे आया हूँ, तू पहले घर ले, पहले नौकरी ले, उसके बाद तू अपना जमीन दे। जैसे कि आपने अभी सुना कि उमेश महात्रे जी ने हमें उपहास के तौर पे बताया कि यहाँ पे एक्चुअल स्थिति क्या है, तो ये एक्चुअल स्थिति जानने के बाद फिर भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते, जो कि तकनीकी तौर पे बहुत सारा समाज अवेयर नहीं है उस बारे में, तो वही तकनीकी जानकारी के लिए हमने हमारे साथ बुलाया है महाजन सर को, जो कि हमें इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में थोड़ी तकनीकी माहिती देंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। इसमें मैं बहुत जानकारी नहीं रखता हूँ, बस इतना कहना चाहूँगा, जो भी पावर प्लांट्स हमारे साथ आज पूरे वर्ल्ड में एसोसिएटेड है, ऑल आर नॉट आइडियल। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट हाइडल पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स,
हाइडल पावर प्लांट से सबसे ज़्यादा इकोलॉजी को डैमेज जाता है। जितना भी सारा इकोसिस्टम है, इट इज़ कन्फाइंड विद लिमिटेड रीजन्स। उसका कुछ पार्ट जो है, इट इज़ गोइंग टू लीड टू सम हाउ, इट इज़ गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट इन द अर्थक्वेक्स ऑल्सो, वो उसमें भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है। थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में अगर हम लोग जानना चाहेंगे तो जितना सारा मैक्सिमम एयर पॉल्यूशन है, SO2, NO2, SO3 मैक्सिमम गैसेस उसमें से जाती है, और अगेन फ्लाई ऐश डिस्पोजल का भी प्रॉब्लम है जो एसोसिएटेड है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि ऑल अदर प्लांट्स आर वी कैन से दे आर इको फ्रेंडली और देर विल नॉट बी एनी टाइप ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है एसोसिएटेड विद न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, दैट इज रिलेटेड टू रेडिएशंस। तो उसके बारे में मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा। जैसे वी नो दैट देर आर 105 एलिमेंट्स नेचुरली अकरिंग एंड 3 मैन मेड आर्टिफिशियली सिंथेसाइज इन लेबोरेटरीज। 108 में से मैक्सिमम दे आर एग्जिबिटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोटोपिज्म, और उसमें से मैक्सिमम एलिमेंट्स दे आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। अगर सीधी सी बात करें, सीधे सीधे तौर पर जो लाइफ का एग्जिस्टेंस है कार्बन, उसके अंदर भी C14 जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है इट एग्जिस्ट। पोटेशियम की बात ले लो, ऐसे कितने भी इनमरल एलिमेंट्स है जिसके अंदर रेडियो एक्टिविटी है। जो चावल हम लोग खाते हैं, जो ग्रेन्स खाते हैं, वो भी उसके अंदर भी रेडियो एक्टिविटी है। तो हम लोग खाना छोड़ देते हैं? नहीं। सेकेंड थिंग, अगर हम लोग इसी तौर पे बात करते जाए तो जब भी कभी डिजीज होती है, कुछ होती है, वी आर एक्सपोज टू द इंस्ट्रूमेंट्स लाइक से एक्सरेज आर देर, सोनोग्राफिक इंस्ट्रूमेंट्स आर देर, उसमें से जो एक्सरेज वगैरह है दे आर आल्सो कार्सिनोजेनिक इन नेचर, उससे भी कैंसर होता है। दैट मे बी इन एक्यूट और क्रोनोलॉजिकल लेवल्स, इट डजेंट मैटर, बट स्टिल हम लोग एक्सरे निकालना छोड़ देते हैं। मोस्ट अबेंडेंटली टू द फोटस, जो मोर सेंसिटिव होता है उसको, उसके लिए जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको 2 से 3 बार कम से कम शी सपोज एक्सपोज टू दैट एक्सरेज एंड सोनोग्राफी सेंटर्स। तो इस बात को लेकर इतना हंगामा क्यों है, दैट इज माई फर्स्ट क्वेश्चन। और सेकेंड थिंग, देर कैन बी प्रोविजन, वी कैन रेस्ट्रिक्ट दैट रेडिएशन टू द कन्फाइंड एरियाज जिसके लिए हम लोग चूज कर रहे हैं। अगर उसके अगर बात करेंगे तो जितना सारा पॉल्यूशन थर्मल पावर प्लांट्स में होता है उतना पॉल्यूशन इसमें नहीं होता है। हाइडल पावर प्लांट्स से जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है जिसके लिए बहुत से सारे हाइडल पावर प्लांट्स शट डाउन किए जा रहे हैं, उसमें ये तो नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट कि आई एम फेवरिंग टोटली न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। मैं ये भी नहीं कहना चाहता हूं कि मैं उसको फेवर करता हूं, बट साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि एनर्जी कंजम्पशन पर कैपिटा इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, नॉट ओनली इन डेवलप्ड कंट्रीज बट इन डेवलपिंग कंट्रीज ऑल्सो। तो उसके लिए हमको कुछ ठोस आधार चाहिए। हम सब लोग बात करते हैं गो फॉर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस, सोलर एनर्जी है, टाइडल एनर्जीज है, जियो थर्मल एनर्जी है, बट देर मस्ट बी सर्टेन प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद दैट। नहीं तो जगह जगह पे हम लोगों ने नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज सेटअप कर दिए होते थे और यहाँ पे ये डिस्कशन करने की बात नहीं आती थी व्हाई वी आर नॉट यूजिंग नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। तो ये जो सब प्रॉब्लम्स है इनको अगर आज ध्यान में रखते हैं एंड विद द इंक्रीजिंग एनर्जी कंजम्पशन पर कैपिटा, आई थिंक विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ फ्यूएल वी आर गोइंग टू ऑब्टेन मैक्सिमम एनर्जी, दैट कैन बी वी कैन कॉल इट एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हाँ, जो प्रॉब्लम एसोसिएटेड है विद द रिहैबिलिटेशन ऑफ पीपल्स, आई थिंक इट इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट और हाइडल पावर प्लांट, इट मे बी ड्यू टू सम करप्ट माइंड्स। तो वी आर सपोज टू टेक इनिशिएटिव फॉर द रिहैबिलिटेशन ऑफ दोज पीपल्स एंड देन I think that can be the sustainable development. Thank you. So, जो ये तकनीकी लोग हैं उनकी जानकारी से ये हम विकल्प निकाल सकते हैं कि we can have the nuclear power plant, but provided that all the people who are going to be rehabilitated, that rehabilitation is done first and then the power plant can be started. Hello, मैं जैतापुर की villager. लेकिन मैंने तो सुना है कि वो न्यूक्लियर का जो वेस्ट है उससे बहुत प्रॉब्लम होता है, और आपने वो अभी अभी वो जापान में जो हुआ था वो आपने देखा नहीं क्या? आप ऐसे कैसे कैसे टेक्नीशियन हो आप लोगों को गुमराह कर रहे हो? नहीं, आई वुड लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन, इनफैक्ट शी इज राइट। तो जब से अगर हम लोग बात करते हैं कि जितना सारा न्यूक्लियर वेस्ट निकलता है, आई थिंक दैट मोस्ट ऑफ दैट वेस्ट इट इज इन द फॉर्म ऑफ प्लूटोनियम 240, वी आर यूजिंग यूरेनियम 235 as the fuel, and that waste generated, abundant waste is plutonium 240. मैं ये नहीं बोलूंगा, but research उसके ऊपर maximum research हो चुका है, and it can be used as fuel for another power plant. I think most of IITians, they must be aware of these things, and researches are still going on, that how we can set up another power plant, it can be used as fuel.
Still researches are going on, and very soon I think that nuclear waste can be used to set up another nuclear power plant. And as far as jo second, what was your second question, ma'am? Accidents. Uske bare mein do baatein bolna chahunga. As it is situated inside the sea, so intensity there was maximum. As we are going to consider another coastal areas, intensity will be less. That is first thing. And second thing, if we are not going to set up such power plants, so or due to human invasion, earlier there were not any natural calamities. Tsunamis nahi hote the, earthquakes nahi hote the, volcanic eruptions nahi the. What is required? Proper management to fight with that natural calamities. That is the only solution. It is not due to human invasion. Iske pehle bhi volcanic eruptions hote the, tsunamis hoti thi. Jab human invasion nahi tha, us time pe bhi aaj bhi ho raha hai. So I'm not saying ki human invasion se kuch nahi ho raha hai. No doubt. But we should be prepared managing those natural calamities. Thank you. Okay, thank you. There are some different views about this. Then I'm not completely agreeing what message he has given. Skit was wonderful, very nicely they have performed. But I think Dr. Nikhil will cover this today afternoon when he's talking about energy, and we'll tell the another side of the nuclear power plant. Okay? Thank you. Give them a big hand. Excellent work. Thank you. Thank you very much.